एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, दो रिक्वेस्टेड वीडियो है, दोनों एक ही वीडियो में बता दूंगी। फर्स्ट तो है जो कि ट्विन हाई बन हेयर स्टाइल, जो कि ओपन बालों में बनाना है, एंड जो सेकेंड होगा वो होगा क्लचर की मदद से हाई बन हेयर स्टाइल। तो दोनों इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे आपको। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है वो मैं बीच मांग से करूँगी, और ये इसमें आपको दो पतले वाले ब्लैक रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। देन इस तरीके से मैंने बालों को ओपन किया हुआ है। फ्रंट से आपको अपने हेयर को इस तरीके से उठाना है। लेयर्स सारे छोड़ देने हैं फ्रंट में, ताकि आपका फेस कवर हो पाए। ओके, इस तरीके से उठा लेना है। देन पूरा हाई बनाना है, तो इसके लिए आपको कॉम करके एकदम क्राउन एरिया पे आपको बालों को कॉम करना है इस तरीके से। उसके बाद इसको ट्विस्ट करना है सिंपली। ट्विस्ट करके इस तरीके से कर लेना है, एंड एक रबर बैंड लगा देना है, ताकि ये अच्छे से होल्ड हो जाए आपके बाल। ये ज़्यादातर जो जीन्स टॉप पहनते हैं या फिर कॉलेज गर्ल्स के लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद अच्छे से बालों को थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे, एंड एक यूपिन से इसको सिक्योर कर दूंगी। तो डियर, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप अपना हाई पोनी हाई बन बनाओगे, ट्विन हाई बन। तो फ्रंट से कुछ इसी तरीके का लुक आएगा। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है, इस तरीके से हेयर उठाने हैं, कॉम कर लेना है। ये जो आपके स्कैल्प दिख रहे हैं वहाँ से हेयर अच्छे से ले लीजिए। देन इसको भी ट्विस्ट कीजिए। तो इस तरीके से ट्विस्ट करके सेम आपको ऐसे एक जगह पे दोनों बन आपके होने चाहिए। अब एक रबड़ बैंड और लेंगे और यहाँ पे इसको लगा देंगे। अगेन इसी तरीके से फैला लेंगे सारे बालों को, और एक यूपिन लेंगे और यूपिन को सेट कर देंगे। तो ये हमारा ट्विन हाई बन बन के रेडी हो गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की थी। तो इस तरीके का लुक आएगा। आप कॉलेज गर्ल्स हो, जींस टॉप पहन रहे हो, तो ये हेयर स्टाइल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो है ना क्यूट सा हाई बन हेयर स्टाइल। आपको यू पिन दिख रहा है, तो अच्छे से इसको सिक्योर कर लो। इसमें भी एक पिन और लगा देंगे, क्योंकि इस वाले में हमने दो पिन्स लगाए थे, और दो पिन लगाने से आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से होल्ड हो जाएगा, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक खुलेगा नहीं। और देखिए स्कैल्प दिख रहा है इसके लिए आपको, जिसके किसी के पतले बाल हैं स्कैल्प ज़्यादा दिखता है, तो इसके लिए इस तरीके से हेयर को खींच लेना है, जिससे कि थोड़ा सा पफी लुक आ जाए और बन भी अच्छा दिखे। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल, फर्स्ट रिक्वेस्टेड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है। बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो आई होप कि कोई भी डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा कि ट्विन हाई बन किस तरीके से बनाना है, वो भी खुले बालों में। और स्ट्रेट हेयर होंगे ना तो बहुत प्यारा लगेगा गाइस। तो मेरे थोड़े से कर्ली हैं, तो अगर आपके कर्ली बाल हैं तो भी आप बनाना चाहते हो तो इस तरीके का लुक दिखेगा आपका, एंड स्ट्रेट हेयर हैं तब तो मस्त बहुत अच्छा दिखेगा। तो चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं, जो कि मुझे रिक्वेस्ट किया था, पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी टू से, एंड उनको क्लचर की मदद से हाई बन बना के दिखाना है, जो कि थोड़ा स्टाइलिश एंड अच्छा लुक आए, कहीं मार्केट वगैरह जाना हो तो कर सके। तो चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए मैंने क्लचर यहाँ पे ले लिया है, एंड आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने बालों को इस तरीके से लेना है।
ओके, इस तरीके से बालों को लेके अच्छे से कॉम कर लीजिएगा। कल मैंने ऐश्वर्या राय इंस्पायर्ड हेयर स्टाइल किया था, जो कि हाई बन हेयर स्टाइल था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो जाके चेकआउट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको एक रबर बैंड लेना है और पोनी बना लेनी है। टाइटली बना लेनी है पोनी को। ओके, अब आपको थोड़ा थोड़ा हेयर को खींच लेना है, जिससे कि आपका जो बन है वो अच्छा दिखे एंड मैसी लुक जैसे बहुत चिपका फ्लैट लुक ना आए। अब आपको क्या करना है, ये इस तरीके से पोनी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। देन यहाँ पे लगा देना है आपको क्लचर। ओके, अब आपको इस साइड का हेयर लेना है, ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके हल्का हल्का सा इसको खींच देना है, एंड तक ट्विस्ट कर लीजिएगा। और जो आपका क्लचर है उसके चारों तरफ इस तरीके से लपेट लेना है, और क्लचर के अंदर ही क्लचर को थोड़ा सा ओपन करना है एंड इसको दबा देना है। फिर से दूसरी साइड का लेयर ले लेना है, इसको भी थोड़ा थोड़ा सा खींच के मैसी सा लुक दे देंगे, और क्लचर के चारों तरफ लपेटना है, देन क्लचर के अंदर ही इसको भी हाइड कर देना है। अब बारी आती है बैक साइड के हेयर को, हेयर की। तो यहाँ से इस तरीके से हेयर को लेंगे, कॉम करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिएगा। ट्विस्ट करके बन के चारों तरफ इस तरीके से लपेट देना है। अगेन दूसरी साइड से हेयर को लेंगे, कॉम करेंगे, और इस तरीके से फ्रंट साइड से लेके आएंगे, ट्विस्टिंग करते हुए। बैक साइड से भी लेके जा सकते हो, जिस साइड से आपको लगे कि हेयर स्टाइल अच्छा बनेगा उधर से आप हेयर्स को लेके जाइएगा। फाइनल लुक देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। बैक के जो हेयर हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, देन बन के चारों तरफ लपेट देंगे। और क्लचर की यू पिंस की मदद से इनको सिक्योर करेंगे। जहाँ से आपका हेयर इस तरीके से दिख रहा है, क्लचर को हाइड करते हुए अच्छे से क्लचर को हाथ चारों तरफ से हाइड कर देना है, ताकि क्लचर आपका दिखे नहीं और आपका जो हेयर स्टाइल है वो भी अच्छे से टिका रहे। बैक साइड से भी देख लीजिएगा, कहीं से भी आपका क्लचर दिख रहा है तो उसको अच्छे से हाइड कर लीजिए और यू पिन से सिक्योर कर दीजिए। तो ये आपका पार्टी बन यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, वो भी सिर्फ एक क्लचर की मदद से। और जहाँ से भी जैसे ये मेरे साथ यहाँ पे हेयर आपका इस तरीके से हो रहा है, तो वहाँ पे एक और यू पिन ले लीजिए अच्छे से हाइड करते हुए, और यू पिन को लगा दीजिए। अच्छे से हेयर स्टाइल को टाइटली एकदम होल्ड कर दीजिएगा, ताकि
लॉन्ग टाइम तक टिका रहे एंड खुले नहीं कहीं से भी, तो बिल्कुल भी ये पता नहीं चलता है कि क्लचर की मदद से बना है हेयर स्टाइल। एंड बहुत अच्छा पार्टी लुक आपको देगा ये बन। अब जो भी आपका हेयर एक्स्ट्रा जैसे बेबी हेयर्स दिख रहे हैं उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि सेटिंग्स पे को कॉम पे लेके इस तरीके से आपको बेबी हेयर्स पे कॉम कर देना है, जिससे कि आपके जो बेबी हेयर्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। बैक साइड से भी इसी तरीके से कॉम कर लेना है। मुझे बिल्कुल हाई एकदम क्राउन एरिया पे अपने यहाँ पे बन बहुत पसंद है। आपको आप चाहो तो इसको थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हो। अब इस तरीके से पीछे के हेयर्स को फ्लैट करते हुए एक यू पिन लेके अच्छे से इसको अपने जूड़े के साथ सेट कर दीजिए। तो ये हमारा बन बन के रेडी हो गया है, जो कि सिर्फ एक क्लचर की मदद से है। एंड ब्यूटीफुल सा लुक भी आ गया है। इसको देखने में समझ में नहीं आएगा कि आपने इसमें क्लचर ऐड किया है एंड आपको पार्टी लुक बन के रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको ये बन पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। आप चाहो तो इसमें लेयर्स भी निकाल सकते हो साइड से, तो मैंने नहीं निकाला है। आपने बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है कि लेयर्स कैसे निकालने हैं, आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी इसी तरीके की वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आते रहूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा था अपना बन, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे यू पिन्स ऐड कर दिए हैं। जहाँ से भी आपको लूज लगे वहाँ पे आप यू पिन से टाइट कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा सा खींच के मैं इसको और बड़ा कर ले रही हूँ बन को। तो ये है मेरे बन का फाइनल लुक। बाय गाइस, टेक केयर।